पुलिस फोर्स के लिए जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की। सूचना के आदान प्रदान के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को लेना, सटीक जानकारी तत्समय सभी स्थलों तक पहुंचाना, उसमें पुलिस दूरसंचार विभाग की बड़ी भूमिका होती है। मुझे याद है जब देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन तो कुंभ 2019 में प्रयागराज के आयोजन का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था। पहली बार इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में था। कुंभ के आयोजन हजारों वर्षों से चली आ रही एक विरासत का हिस्सा है, लेकिन आयोजन भव्य तरीके से हो, सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाए, यह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। उत्तर प्रदेश वही, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में कार्य करने का पुलिस का तरीका, पुलिस का व्यवहार और पुलिस के द्वारा जो तकनीक अपनाई गई उसके परिणाम को देश और दुनिया ने देखा था। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे और प्रयागराज कुंभ के माध्यम से उन्होंने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से देखा। अगर आप देखेंगे 24 करोड़ से अधिक लोगों की कुंभ में उपस्थिति इस बात को 2019 में साबित करती है कि कमोवेश हर हिंदू परिवार से, हर भारतीय परिवार से एक सदस्य ने प्रयागराज का दौरा किया था और प्रयागराज में आकर के उन्होंने कुंभ में सहभागिता के माध्यम से नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को अपनी आंखों से देखा था। आज अब उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं बदली हैं लोगों की, वह किसी पहचान का और किसी प्रचार का मोहताज नहीं है। जिन लोगों ने आकर के महसूस किया, जिन लोगों ने आकर के देखा, वे लोग इसका संदेश लेकर के गए, चाहे वह देश के रहे हो, चाहे वे विदेश के रहे हो, चाहे वे भारत के वासी हो, चाहे वे प्रवासी भारतीय हो, उन सब ने एक अच्छा संदेश लेकर के गए। नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित और संपन्न हो गया है और उस आयोजन के साथ उस समय बेहतरीन तालमेल के माध्यम से पुलिस रेडियो विभाग के माध्यम से जो कार्य किए गए वह उत्कृष्ट कोटि की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। लेकिन यात्रा है तुम्हारी, याद करिए जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार देश की किसी भी सिविल पुलिस की तुलना में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1938 में पहली वायरलेस सेल को अपने यहां प्रयोग किया था और वह यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार कुंभ से। 1938 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और उस कुंभ में पुलिस रेडियो विभाग की स्थापना के साथ ही हम टेलीकम्युनिकेशन के किस साधन का उपयोग करें कि इतनी भीड़ में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, किसी भी भगदड़ में किसी भी अफवाह से लोगों को बचाया जा सके। तो उस समय पुलिस ने सहारा लिया था 3 हाथियों के दल का, जिसके माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन के का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस ले रही थी। और इस दौरान फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है, रेडियो मुख्यालय की स्थापना होती है और 2019 आते आते हम लोगों ने हाथी से हैंडसेट तक हम पहुंच गए और अब तो मोबाइल सेट के माध्यम से हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं।
यानी यह एक प्रगति की वह राह है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करती ही है, लेकिन एक आम जन के मन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी पैदा करती है। हम तकनीक से भाग नहीं सकते, प्रशिक्षण के साथ साथ हमें इस तकनीक को समय के अनुरूप अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा और लगातार इसके साथ कार्य करते हुए यह तकनीक हमारे द्वारा नियंत्रित हो, विभाग के हित में समाज के सापेक्ष कार्य करती हुई यह इस विभाग को निरंतर आगे बढ़ाती रहे, यह आज की आवश्यकता है। और मुझे अच्छा लगा कि 3 दिवसीय स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में पुलिस रेडियो विभाग के द्वारा यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगाई गई है, इसमें अपने पुराने समय के उन सभी सेट्स को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी, मैं जब आया था तो मैंने यहाँ पे यही पूछा, मैंने कहा 1938 के क्या भी सेट मौजूद है। और मैं बार बार इस बात को गृह विभाग को कहता हूं कि आखिर हम आज कार्य कर रहे हैं, आज की आवश्यकता है हमारे कार्य में अच्छे प्रशिक्षित हो, जितना अच्छा प्रशिक्षण हम उनको देंगे उतने अच्छे परिणाम उनके माध्यम से आएंगे। हम उन्हें अत्याधुनिक इक्विपमेंट दें, हम उन्हें अच्छे साधन दें, अच्छी व्यवस्थाएं दें, लेकिन साथ साथ अपने इतिहास को भी सुरक्षित रखने की तैयारी हमें करनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर पीएसी की पहानी में हमारे पास एक छोटा सा म्यूजियम भी होना चाहिए। ये म्यूजियम जो हमारे इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को और खासतौर पर स्कूली बच्चों को और आने वाले लोगों को बता सके कि हमने यात्रा कहां से प्रारंभ की थी, कैसे हमारी यात्रा ये निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है, इस यात्रा ने हमें शून्य से शिखर की ओर पहुंचाने में कैसे मदद की है, यह दिखाने की एक यात्रा है। और उस यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम कहां तक पहुंचे हैं। आज के दिन पर अक्सर होता क्या है, हम हथियारों से कहां पहुंचे हैं। आज पुलिस के पास अच्छे साधन आ चुके हैं, अच्छे आंस आ चुके हैं, लेकिन हमने पुराने को संरक्षित करके एक म्यूजियम का पार्ट नहीं बनाया, हम उसको भेज करके स्क्रैप में भेज देते हैं। कुछ जगह म्यूजियम में भी रहे, लोग देखें कहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी, डंडे से प्रारंभ होकर के अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं और इस यात्रा को आगे कहां तक जाना है। हमारे सामने नई चुनौतियां हैं। हम जब इस क्षेत्र में देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जो हमको गए थे, प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ था, प्रदेश में साइबर क्राइम से जुड़े हुए 2 ही थाने थे, एक लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर जनपद में। आज हम हर जनपद में साइबर थाने की स्थापना की स्वीकृति दे चुके हैं और मुझे लगता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने स्थापित हो, ये कार्य करने प्रारंभ हो। यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और मैंने पहले भी कहा था कि हमें मास्टर ट्रेनर बनाने चाहिए, प्रत्येक 75 जनपदों के मास्टर ट्रेनर एक साथ ट्रेनिंग ले लें और फिर वे अपने अपने जनपदों में ट्रेनिंग दें। थाने के साथ साथ हर थाने में भी एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना हो जाए, क्योंकि तेजी के साथ इस क्षेत्र में अपराध का घटित होना हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और खासतौर पर किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इन साधनों का उपयोग करते हुए अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं, अभी हाल ही में घटित हुई तमाम घटनाओं से ये जानकारियां हम सबके सामने आ जाती हैं। आपने देखा होगा अभी विगत दिनों प्रयागराज में एक लूट होती है, लूट करने वाला गिरोह उत्तर प्रदेश से बाहर का, और वे अपने बाइक से आते हैं, 4 लोग होते हैं, एक जगह लूट करते हैं, वहां 7 लाख की लूट करने के बाद वे प्रयागराज छोड़ लेते हैं और छोड़ने के बाद वहां से आने के बाद लखनऊ पहुंच जाते हैं, लखनऊ एक होटल में रुकते हैं, फिर लखनऊ में लूट नहीं करते,
अगले दिन सीतापुर में 9.5 लाख रुपए की लूट करते हैं। लेकिन हमारे पास तकनीक थी तो सीतापुर की लूट के साथ ही जैसे वे लखनऊ वापस होटल में आए और उसमें से दो लोग तो मॉल में सामान खरीदारी करने के लिए चले गए, दो लोग होटल में आराम कर रहे थे, उस समय पुलिस ने उनको दबोचा, वे पुलिस के हाथे चढ़ गए। अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती, हमने समय के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं किया होता तो प्रयागराज तक हम सीमित रहते और प्रयागराज के अंदर सीमित रहने का परिणाम क्या होता कि वे लखनऊ के बाद सीतापुर के बाद फिर किसी अन्य कस्बे में जाकर के किसी अन्य नगर में जाकर के किसी बड़ी घटना को अंजाम देते और इस सिलसिला लगता क्योंकि वे तो लूट करके उस शहर को छोड़ देते थे और अगले शहर में चले जाते थे। हमारे पास कोई डाटा नहीं था, नहीं होता या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमें मानकर चलते कि भाई ये लोकल ही किसी लुटेरे का हाथ है इसमें। लेकिन तकनीक थी और पुलिस उसके प्रति अलर्ट थी तो तीसरे दिन ही दोनों मामले एक साथ खुल गए और पूरी रकम भी बरामद हो गई। यह तकनीक का प्रभाव हर एक स्तर पर हम इसको देख सकते हैं और हम लोगों को सदैव इस तकनीक के साथ न केवल वहां पे चलना होगा बल्कि आज एआई के माध्यम से भी बड़े से बड़े आयोजन को कैसे सफलतापूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ 2019 इसका उदाहरण है। आने वाले समय में बड़े से बड़े आयोजन को संपन्न करने में भी अभी कावड़ यात्रा में गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में ज्यादातर भाग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और कावड़ यात्रा में 4 करोड़ श्रद्धालु इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों से वे गुजरते हैं लेकिन कावड़ यात्रा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित तरीके से संपन्न होती है इसको भी हम लोगों ने वहां पर देखा और उत्तर प्रदेश रेडियो पुलिस ने वहां पर अपने नए प्रयोग भी किए, नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने वहां पर कार्य किया। आज आवश्यकता है हम समय के अनुरूप चले। 3 दिवसीय जो आपकी स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम है इसमें प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक तकनीक की जानकारी भी रेडियो विभाग से जुड़े हुए सभी कार्मिकों को देने में विभाग सफल होगा इस विश्वास के साथ मैं आपको स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब समय से 2 कदम आगे बढ़कर के अपने आप को तैयार करेंगे तो न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस जिस गौरव के साथ आज आगे बढ़ रही है इस गौरवशाली क्षणों को हम एक लंबे समय तक आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को और भी बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, तकनीक के अनुप्रयोग के संबंध में आपके द्वारा दिए गए सार्वजनिक उद्बोधन से हम सभी बहुत आनंदित हैं।